सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 2018 के कुछ नए ऐप जिनको आपको ट्राई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला ऐप जो है वो है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड जो है बेसिकली एक स्टोरी बोर्ड टाइप का ऐप है जिसमें आपको कुछ अपनी जो है वीडियो सेलेक्ट करनी होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देख लीजिए। और ऐप स्टार्ट होते ही कुछ इस तरीके से दिखता है ये। तो मैंने यहाँ पे कुछ लोड वीडियो किया है और अपनी गैलरी या जहाँ पे भी आपने कोई वीडियो फाइल रखी है तो वहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो वीडियो सेलेक्ट करने के बाद जो है दोस्तों ये अपनी प्रोसेसिंग करेगा खुद, उसको मतलब अपने हिसाब से पिक्सलाइजेशन करेगा कि कौन से जो फ्रेम है वो कहाँ पे होना चाहिए, तो अपने हिसाब से ही करेगा। तो पहले तो पूरा वीडियो लोड करेगा ये इस तरीके से कुछ प्रोसेसिंग वीडियो, उसके बाद ये कुछ हमें इस तरीके से रिजल्ट देगा। तो अगर आपको रिजल्ट पसंद नहीं आ रहा तो आपको करना ये है कि बस स्लाइड डाउन करना है ऊपर से नीचे तक, तो अपने हिसाब से ये जो है फ्रेम सेलेक्ट करेगा और जो डिज़ाइन वगैरह होगा अपने हिसाब से ये बना करके दिखाएगा आपको। जो वीडियो में से कुछ क्लिप्स होंगे, जो कुछ पिक्स होंगे, स्टिल्स होंगे, वो आपको इस तरीके से कुछ दिखाएगा। तो ये काफ़ी मतलब सिंपल सा ऐप है जिसमें आपको जो है एक वीडियो एडिट करना है, मतलब वीडियो ऐड करना है, और उसके बाद जो है ये उसकी एक कोलाज बना करके आपको दे देगा वीडियो में से जो भी होंगे कुछ इस तरीके से। और आपको अगर पसंद आ रहा है तो रख सकते हैं, वरना आप इसको स्लाइड डाउन करके बार बार उसको चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाला काफ़ी अच्छा है। तो जैसे ही मेरे को ये पसंद आता है, तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आपको जो है उस पर सिंपल टैप करना है, उसके बाद आपके पास लोड वीडियो सेव और शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ और ये मेरी गैलरी में ये फ़ोटो की तरह एक सेव हो गया है। तो चलिए दोस्तों अगले ऐप की तरफ चलते हैं। तो अगला ऐप जो है वो है कैनवा। कैनवा जो है बेसिकली एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप है, नया ऐप है ये। और जैसे ही ऐप ओपन करेंगे या तो आपको जो है साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो साइन इन कर लेता हूँ मैं, इसको फेसबुक से कर लेता हूँ। तो लॉग इन करने के बाद दोस्तों ये देखिए आपके सामने जो है काफ़ी सारे टेम्पलेट आ गए हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप चूज़ कर लीजिए, जैसे कि मैं इसमें से ये वाला इनविटेशन वाला जो है एक टेम्पलेट जो है चूज़ कर लेता हूँ। आप इसको जो है मैं अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से कोई इमेज ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में, और जो टेक्स्ट वगैरह जो लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कोई इमेज और डाल सकते हैं, चेंज करना चाह रहे हो तो चेंज कर सकते हैं। गैलरी में से अगर आपके पास कोई इमेज है तो वो इमेज डाल सकते हैं, या फिर आप इनके दिए हुए कुछ इमेजेस जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया है, कलर है, या फिर कलर सेट कर लीजिए बैकग्राउंड में, बाकी फ़िल्टर आपके पास अलग अलग मिल जाएंगे। तो ये एक बेसिक सा एडिटिंग ऐप था। और फिर अगला जो हमारा ऐप आता है वो आता है ग्रामरली। और ये काफ़ी मतलब पॉपुलर ऐप हो गया है, क्योंकि बेसिकली ये आपके ग्रामर ठीक वगैरह करने के लिए, मतलब मिस्टेक फ्री जो है राइटिंग कर सकते हैं आप इसमें। बेसिकली एक कीबोर्ड है जिसको मैं अभी दिखाता हूँ। तो मैं गूगल से इसको साइन इन करने जा रहा हूँ, जैसे ही ओपन होता है तो आपको जो है साइन इन करने के लिए बोलता है, तो आप जो है साइन इन कर लीजिए पहले। और उसके बाद जो है ये मैंने ऐड ग्रामरली कीबोर्ड किया है, और उसके बाद जो है यहाँ से मेरे से परमिशन मांग रहा है। तो ऑलरेडी इतने सारे कीबोर्ड चल रहे हैं तो ग्रामरली कीबोर्ड जो है मैंने एक्टिवेट कर लिया है और ओके कर लिया है। अब मैंने ग्रामरली यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, तो अब जब भी मैं कुछ टाइप करूंगा या कुछ लिखूंगा तो ये मेरे को अपने आप सजेशन देने लग जाएगा कि इस तरीके से लिखना है। तो ग्रामरली कीबोर्ड जो है वो रन कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं मैसेज में चला जाता हूँ, और मैसेज में जाने के बाद जो है मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। सेंटेंस ख़त्म होने के बाद जैसे ही आप स्पेस बार वो करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे, उसके बाद जो है ये अपने हिसाब से बता देगा कि इसमें जो है सेंटेंस में मिस्टेक है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, तो इसको आप इस पर टच करेंगे तो आपको जो है करेक्ट कर देगा। तो मतलब कि आप अगर कोई स्पेलिंग आपको नहीं आ रही है तो ये अपने आप जो है सजेशन में दे देगा, जो कि नॉर्मली हमारा कीबोर्ड दे देता है। बट ये सेंटेंस मेकिंग भी है, अगर आप कोई वर्डिंग बना रहे हैं और उसमें गलत आ रहा है तो ये आपका अपने आप दे देगा कि यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है या फिर कोमा लगाना है। तो काफ़ी अच्छा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। तो अगला जो ऐप है वो हमारा है सेल्फी सीमो। सेल्फी सीमो बेसिकली क्या है कि एक ऐप है जिसमें आपको पोज देना है और फ़ोटो ये अपने आप खींच लेगा। तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो अपने आप ये खींच लेगा, और फिर ये जो आपको अलग अलग कोलास्ट में बना करके दे देगा वो ऐप।
चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। तो अगला जो ऐप है वो है हमारा फीडली। तो फीडली बेसिकली ये है कि मल्टीपल जगह से जो है आपको एक ही जगह पे जो है आपकी न्यूज़ फीड आ जाएगी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट योर फीडली और उसके बाद अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बोलेगा। तो यहाँ पे मैं गूगल से साइन इन कर रहा हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ कैटेगरी आ गई हैं, जैसे कि टेक आ गया, मार्केटिंग आ गया, डिज़ाइन आ गया, स्टार्टअप, कार्स, बिजनेस, अलग अलग जगह से आ गया। तो मैं यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे गेमिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी जहाँ जहाँ कहीं से भी मैं गेमिंग न्यूज़ चाहता हूँ, जैसे कि IGN से चाह रहा हूँ, तो इसको मैं ऐड कर ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से आप जो है कंटेंट ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे पीछे चला जाऊँ तो यहाँ पे टेक में मैं ज्वाइन कर लेता हूँ टेक, और उसके बाद द वर्ज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो द वर्ज में टेक में ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा और उस तरीके से बता देगा आपको लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह। आपको बस स्लाइड अप करना है और अपने हिसाब से जो है आप देख पाएंगे। तो आपको बेसिकली जो है यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करके ऐड करना है, और उसके बाद जो है आपकी जो भी न्यूज़ आएगी वो लेटेस्ट अपडेट जो होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐप थे जो मेरे ख्याल से आपको ट्राई करने चाहिए, जो लेटेस्ट और नया ऐप है 2018 में, तो आई थिंक आपको ट्राई करने चाहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को और बार बार आके वीडियो देख के चले जाते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार कर लो यार सब्सक्राइब। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।